हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं और काफी कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और काफी कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए और कौन सा नहीं किया जाए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जा सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज हम बात करने वाले Realme GT 60 के बारे में। एक नाम तो थोड़ा अजीब सा है बट फोन में यहाँ पे दम है। काफी अच्छा फोन यहाँ पे लॉन्च किया है Realme की तरफ से, मतलब एकदम आपको फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं इसमें। आजकल देखा है कि अंडर 30,000 की रेंज में जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें काफी फ्लैगशिप लेवल वाले फीचर यहाँ पे डाले गए हैं और इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे आपको जो फीचर है भर भर के मिलने वाले हैं, सब कुछ इस फोन में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले इसके प्राइस की। 31,000 की रेंज में ये लॉन्च हुआ है और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ परचेज करते हैं 27,000 की रेंज में आपको मिलने वाला है और अगर आप Amazon पे ICICI कार्ड से परचेज करेंगे तो आपको 1300 का और कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा। अराउंड आपको 26,000 के करीब ये पड़ने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको चार वेरिएंट यहाँ देखने को मिलेंगे। 8/128 GB इसका बेस वेरिएंट है और 8/256 GB भी आपको मिलने वाला है और 12/256 GB भी आपको मिलने वाला है और 12/512 GB भी देखने को मिलेगा। यानी कि वेरिएंट के मामले में भी कोई कंजूसी नहीं की, सभी वेरिएंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हम 26,000 की रेंज के हिसाब से देखते हैं। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है 6.78 इंच का 1.5K वाला डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD नहीं, 1.5K वाला डिस्प्ले आपको मिलने वाला है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलने वाला है। और ये LTPO डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको 1Hz से लेके 120Hz तक ये जाता है। और इसके अलावा जो इसका ब्राइटनेस लेवल है काफी ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, 6000 nits का पीक ब्राइटनेस लेवल यहाँ देखने को मिलेगा। नॉर्मल में ये 1600 nits तक जाता है, तो आप आउटडोर में भी यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा HDR10+ का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और 2160Hz का PWM डिमिंग का फीचर भी यहाँ देखने को मिलता है। और इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है, कलर वगैरह काफी अच्छे आते हैं। 1.5K वाला डिस्प्ले है और कर्व्ड डिस्प्ले है तो आपको यहाँ पे हाथ में पकड़ के फील भी अच्छा होने वाला है। तो ओवरऑल में आपको एक अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा इसमें आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी यहाँ देखने को मिलता है और बेजल्स भी काफी कम देखने को मिलते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94% के ऊपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते इसकी बैटरी की ओर, यहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया 5500mAh का बैटरी मिलने वाला है और 120W का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके बॉक्स में आप इसको 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 50% ऑलमोस्ट चार्ज हो जाएगा, तो काफी क्विक चार्जिंग है, तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की ओर, यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लाउड तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छी आपको साउंड क्वालिटी भी यहाँ देखने को मिलेगी और 9 5G बैंड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। NFC आपको मिलने वाला है, IR ब्लास्टर आपको मिलने वाला है, Wi-Fi 6 आपको मिलने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल में आपको जो मल्टीमीडिया और कनेक्टिविटी के जितने भी फीचर है सभी आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज, यहाँ पे IP65 की रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी और वेट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है। 5500mAh की बैटरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आपको 192 ग्राम के करीब अप्रोक्सीमेट वेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तो आगे आपको बताने वाले परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे जबरदस्त मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 देखने को मिलेगा। इसका अंतत्व स्कोर 1.5 मिलियन के करीब यहाँ आता है, तो आप गेमिंग वगैरह भी करेंगे तो काफी अच्छी खासी गेमिंग आप इसमें कर पाएंगे। 1.5 मिलियन का स्कोर 40,000 या इससे प्लस वाले फोन में आपको मिलता था बट यहाँ पे आपको 26,000 की रेंज में 1.5 मिलियन का स्कोर देखने को मिलता है। आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ जो हैवी टास्क है, वीडियो एडिटिंग वगैरह है, गेमिंग वगैरह अच्छे से इसमें कर पाएंगे। बट एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस की, थोड़ा सा वॉर्म होता है यहाँ पे अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं। बट रियलमी का कहना है यहाँ पे सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर का यूज किया गया है तो हीटिंग को ये साथ ही साथ कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलने वाला है और अपडेट में भी यहाँ पे 3 ईयर का मेजर अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भी अच्छा रियलमी ने काम किया है। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगी बट आप चाहें तो इसको
डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, LPDDR5X RAM टाइप आपको मिलने वाला है और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप भी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप 8 256 GB वाला वेरिएंट लेंगे या इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको 4.0 मिलने वाला है, अदरवाइज आपको 8 128 GB वाले में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी काफी अच्छा काम किया रियलमी ने। तो आगे बढ़ते हैं इसके कैमरास की ओर। कैमरास भी अच्छे चाहिए होते हैं, आजकल सभी को फोटोग्राफी का शौक है, तो आपको जो प्राइमरी कैमरा है वो भी बढ़िया मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ ही आने वाला है, सोनी LYT 600 सेंसर आपको मिलने वाला है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको मिलने वाला है जो कि अगेन सोनी का ही सेंसर है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कैमरा बहुत ज्यादा ही बढ़िया आपको मिलने वाला है, बट अच्छी फोटोज यहाँ पे क्लिक करेगा। अगर मैं 26,000 की रेंज के अकॉर्डिंग में देखता हूँ इसको, तो कैमरे से आप काफी अच्छी फोटो देखने को मिलती है, स्किन टोन वगैरह काफी अच्छे से बैलेंस करता है, कलर वगैरह भी काफी सही आपको देखने को मिलते हैं और रियलमी के फोन में आपको पता है डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। तो कैमरा भी इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसेंट मिलने वाला है और सेल्फी कैमरा से अगर मैं बात करूं, सेल्फी कैमरा से भी आपको काफी अच्छी फोटो यहाँ देखने को मिलती है, कलर वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, स्किन टोन वगैरह यहाँ पे भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। और वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है 60fps पे और सेल्फी कैमरा से आप 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर पाएंगे जो कि अच्छी बात है और OIS आपको मिलने वाला है, तो वीडियोग्राफी भी आपको यहाँ पे स्टेबल मिलने वाली है और कलर वगैरह भी यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और अल्ट्रा वाइड से आप 1080p पे ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल में आपको कैमरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं, AI फीचर भी यहाँ पे आने लगे हैं, सैमसंग ने भी यहाँ पे शुरुआत की थी, गूगल पिक्सल वगैरह में भी आपको देखने को मिलते हैं और एप्पल भी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और रियलमी भी यहाँ पे पीछे नहीं रह रहा है। यहाँ पे आपको कुछ AI फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको एयर जेस्चर इसमें मिलता है, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करेंगे तो हैंड से ही आप स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा फीचर मुझे लगा। इसके अलावा चार्जिंग में भी आपको AI हेल्प करने वाला है और इसके अलावा एक जो आई कंफर्ट का यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है, अगर आप रात को लंबे टाइम तक वीडियो देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं तो उस टाइम पे ये काम करेगा, तो आपकी आईज में अगर आपको थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है तो उस टाइम पे जो इसकी फोन की स्क्रीन की है लो लाइट में यहाँ पे ले जाएगा फोन की स्क्रीन को, तो वो फीचर काफी अच्छा देखने को मिलता है, आपकी आईज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा ये। और इसके अलावा जैसे कि किसी का फोन आया, आप अगर मीटिंग वगैरह में, तो जैसे ही आपने फोन को उठाया फोन की तरफ घूर देना, जो फोन की रिंग की साउंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी, जैसा कि आईफोन में ये फीचर था, तो अब रियलमी में भी आपको देखने को मिलेगा और भी काफी छोटे छोटे यहाँ पे AI फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा काम किया रियलमी 26,000 के रेंज में, सब कुछ आपको एक फोन में जो मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, एकदम ऑलराउंडर फोन आपको मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन की आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 26,000 की रेंज में आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है। और इस स्मार्टफोन का बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियोस मेरी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।